हजारीबाग जिला अंतर्गत विशुनगढ़ प्रखंड क्षेत्र से जिला परिषद उम्मीदवार राजेंद्र साव ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। उन्होंने कहा है कि आज विशुनगढ़ प्रखंड विकास के क्षेत्र में पीछे छूट गया है, जिसके जिम्मेदार वहां के पूर्व जिला परिषद और स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। अगर जनता उन्हें समर्थन देती है तो चुनाव जीतने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य को दुरुस्त करने की होगी। चुनाव में उतरने का मेरा सबसे ये ख्याल है कि जब से मैं जिस क्षेत्र में हूँ उस क्षेत्र में आज तक शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं दिए हैं। हमारे माने 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में उच्च विद्यालय है, जहाँ के बच्चे बच्चियों को पढ़ने में बहुत असुविधाएं होती है। शिक्षा के क्षेत्र के लेकर हम सबसे पहले मैं जिला परिषद सदस्य के रूप में नामांकन कराने का प्रयास। पूर्व के जिला परिषद जो भी जीते हैं वो सिर्फ जीत के हजारीबाग में रहे, गांव में कभी गए नहीं और गांव के प्रति उन लोग कभी सोच रखे नहीं। प्राथमिकता शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद किसानों की मूलभूत समस्या।